इन दिनों झारखंड की पूरी राजनीति संथाल परगना में शिफ्ट हो चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक वोट मांगने पहुंच रहे हैं। वहीं संथाल परगना के ही गांव में लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया। दुमका जिले के जामा प्रखंड के तपसी पंचायत के कामुडुबरिया गांव के लोगों की कई पुश्तें गुजर गई, लेकिन सड़क नहीं बनी। हर किसी ने वादा किया, सपने दिखाए, लेकिन न सड़क नजर आई और ना ही सपने दिखाने वाले। सब्र का बांध जवाब दे गया तो लोगों ने भी कह दिया, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये वो लोग हैं जिनके हिस्से का विकास इनसे छीन लिया गया है। इनके हिस्से में सड़क कभी आई ही नहीं। इनकी आंखों को दिया गया सिर्फ झूठी उम्मीदें और कोरा आश्वासन। इन्हीं आंखों में जब अंधेरा पसरने लगा, सब्र का बांध जब जवाब दे गया, कह दिया बस अब और नहीं। दुमका जिले के जामा प्रखंड के तपसी पंचायत के कामू डुमरिया गांव के संथाली टोला मटियोर में ग्रामीणों की पंचायत बैठी। लोगों ने कहा, आजादी के 7 दशक बीत गए, 3-3 पुश्तें गुजर गई, लेकिन सड़क नहीं आई। गांव में एम्बुलेंस आती नहीं। मरीजों खासकर गर्भवती महिलाओं को खाट पर लाश की तरह कांधे पर ले जाया जाता है। एम्बुलेंस अगर मंगाते हैं तो एम्बुलेंस यहाँ तक आ नहीं पाती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खटिया में उसको सुला के उसको 4 आदमी टांग के, जैसे कि लोग लाश ले जाते हैं, उसी तरह हम लोग लेके जाते हैं आर्य रोड तक, और वहाँ से जो है कि एम्बुलेंस में बिठा के उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल। कई सालों से हम लोग, आज 3 पीढ़ी हो गए, मेरा दादाजी जो थे, मेरा अभी जो पिताजी जो थे, आज हम 3 जनरेशन हो गया यहाँ का। तीनों जनरेशन आज तक रोड यहाँ देखने के लिए तरस उठा है। वो हम लोग को जब कोई डिलीवरी पेशेंट रहता है तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाना होता है, तो उस समय पर इतना स्थिति खराब होता है कि गाड़ी जो है कि यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, और इस वजह से वो कभी कभी ऐसा होता कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है पेशेंट के साथ में। गांव तक, घर घर तक आए और बोले कि हम लोग रोड देंगे, स्कूल में अच्छा शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छा आने जाने का रास्ता देंगे, PCC करेंगे, रोड देंगे, सब कुछ बोले। लेकिन जब वो जीत जाते हैं, जब वो अपना कुर्सी ले लेते हैं, बैठ जाते हैं, तब देखते हैं कि वो 5 साल तक एकदम हम लोग से दूर रहते हैं, उसको नज़र तक भी नहीं देख पाते हैं। और बारिश के सीजन में तो और दिक्कत होता है, पूरा कीचड़ हो जाता है, पैदल आने जाने में दिक्कत होता है, तो क्या गाड़ी उड़ी क्या आएगा, रास्ता है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रास्ता। ग्रामीणों की माने तो वादे और उम्मीदें देने में किसी ने कंजूसी नहीं की, लेकिन हर वादे झूठे निकले, हर उम्मीद खोखली निकली। इसलिए अब रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड गिदरा बिदर स्कूल चला, लेकिन तो रोड बना तलिया दादी दुकान तले चिका चलो डुक चला सर तीन इन्हें तो मुश्किल ना तलिया बोले रोड की बनू तलिया विरोध दबले वोट भले रोड बनो मिला वोट की भले मुश्किल ना तले आराम की पूरा तले पे और पूरा तले पे तो वोट ले मापिया। न जाने कितने नेता और विधायक बने, कितनों का हमारे ग्रामीणों ने कितनों का भविष्य तय किया, कितना विधायक बने, कितना लोकसभा के सदस्य बने, लेकिन हमारा ग्रामीण का समस्या आज तक किसी ने दूर नहीं किया है। तो ये इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए और आज हम लोग आज वोट का विरोध कर रहे हैं। तो बोल के जाते हैं कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हर कोई आते हैं यही बात बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। और ऐसे तो बढ़िया हम लोग का बिहार ही था एक प्रकार से, क्योंकि अब 24 साल हो गया मतलब झारखंड अलग हुए, लेकिन आज तक हमारे गांव में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। गांव में सड़क के साथ साथ पानी की भी समस्या है। PM आवास भी जरूरतमंदों तक नहीं पहुँचा। इलाके की विधायक सीता सोरेन को भी ग्रामीणों ने कई बार अपनी पीड़ा बताई, लेकिन किसी ने सड़क नहीं दी। आखिरी चरण के चुनाव से पहले झारखंड की पूरी राजनीति संथाल परगना में सिमट चुकी है। वहीं संथाल के एक गांव में सड़क के बिना लोगों ने वोट ना देने का ऐलान कर दिया है। लोगों का कहना है कि ये सिस्टम एक सड़क तक नहीं दे सकता तो फिर चुनाव की रशम अदायगी भी क्यों।
दुमका से टीवी 45 के लिए सुतीब्रो गोस्वामी की रिपोर्ट।